पूर्व वाले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाषाण युग या प्रागैतिहासिक युग, इसे हमने तीन कालों में विभाजित किया है या इसे तीन कालों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो समय है वह है पूर्व पाषाण युग या पुराप्रस्तर युग, जिसका समय है 60,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा आता है यानी पुरापाषाण युग के बाद का जो चरण है या कालक्रम है वह है मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग, मध्य पाषाण युग या मध्य प्रस्तर युग। तीसरा है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, अर्थात लगभग जो पूर्व पाषाण युग है और या पाषाण युग का जो समय है लगभग 60,00,000 ईसा पूर्व से 10,00,000 ईसा पूर्व तक, और जो तीसरा काल है या तीसरा युग है उत्तर पाषाण युग या नव प्रस्तर युग, जिसका समय है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। इन दोनों के मध्य का जो समय आता है वह कहलाता है मध्य पाषाण युग, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 25,000 ईसा पूर्व का जो समय है वहाँ से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है, जो समय है, वह कहलाता है मध्य पाषाण युग। अब यदि हम देखें तो आदि मानव की जो अंकन शैली या विषय वस्तु में समानता देखकर ऐसा हमें आश्चर्य होता है या ऐसा प्रतीत होता है, यानी इन सभी चित्रों में जो भी इनकी कला के जो हमें उदाहरण मिले हैं, जो भी चित्र मिले हैं, उन सभी में इतनी अधिक समानता है, वे सभी चित्र इतने एक जैसे लगते हैं जैसे ये किन्हीं अलग अलग आदि मानव या अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि किसी एक ही व्यक्ति या किसी एक ही कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं। अर्थात जैसे जब दो लोग या दो व्यक्ति जब अलग अलग कला या कोई चित्र बनाते हैं तो हम उसे देख कर के साफ अंतर पता चलता है कि ये उस व्यक्ति का बनाया हुआ है या दूसरा चित्र जो है उस व्यक्ति का बनाया हुआ है। दोनों चित्रों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, किंतु प्रागैतिहासिक काल के मानव की जो कला है या जो उनके उस समय के जो हमें उदाहरण मिलते हैं उनमें इतना एकाकीपन है, इतना एक जैसा सब दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि ये मतलब अलग अलग व्यक्तियों ने नहीं बनाए बल्कि किसी एक ही व्यक्ति के बनाई हुई कृतियां हैं या किसी एक ही व्यक्ति ने सभी अलग अलग स्थानों पर एक ही व्यक्ति ने चित्र बनाए हैं या कलाकृतियां अपनी वहां पे उनका सृजन किया है। इस समय के यानी पाषाण युगीन मानव के द्वारा जो वहां पर छोड़े गए अवशेष थे, जो पत्थर के यानी जो पत्थर के बनाए हुए अस्त्र या औजार थे या कुछ चित्र संस्कृति थी या कुछ चित्र थे, उन सभी की कहानी को ये चित्र या ये अवशेष, ये उदाहरण हमें बताते हैं, हमें पता चलता है उस समय की जो प्रागैतिहासिक काल के मानव की जो जीवन शैली थी, जो उस समय के मानव की जो उनका रहन सहन था, उनका जीवन था, उन सभी के बारे में हम इन चित्रों के माध्यम से या इन औजारों के माध्यम से या उनके बनाए गए शस्त्रों के माध्यम से उस समय का हम ज्ञान कर सकते हैं, हमें उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और उस समय के जीवन की उनको ये भी पता चलता है हमें कि उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति और जीवन पर विजय प्राप्त करने के लिए कितना कठोर संघर्ष और कितना कठोर
श्रम किया होगा, उन सभी अवशेषों को देखने से हमें यह भी ज्ञान होता है। और उस समय का उन्होंने जो उनका बर्बर जीवन था, जो उनका गुहावासी जीवन था, जो उनका वन्य जीवन था, उन सभी में उनका संतोष, उन लोगों का सुखमय, उनकी जो भावनाएं थी, उन सभी को देख करके हमें पता चलता है कि उनमें कितना आत्मविश्वास था। और उन्हीं सभी आत्मविश्वासों का जो मूल मंत्र है, वह हमें उन सभी चित्रों में दिखाई देता है, उन सभी अवशेषों में हमें नज़र आता है। आज बस इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये जो तीन काल मैंने आपको बताए हैं, प्रागैतिहासिक काल को किस तरह से तीन कालों में वर्गीकृत किया गया है या विभाजन किया है, उनका कुछ डिटेल या उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू।